केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह अब से कुछ ही देर पहले टनल के अंदर से निकले हैं और टनल के अंदर उन टीमों के पास वो पहुंचे हुए थे जो टीमें वहां पे काम कर रही है। ऑगर मशीन एक्टिव है या नहीं, किस तरीके से स्मूथली काम हो रहा है, ये रोज देखने के लिए केंद्रीय मंत्री एक बार टनल में जाते हैं और इस वक्त वो टनल के अंदर ही थे। अब वो निकल चुके हैं टनल के बाहर, यानी एक तरफ उत्तराखंड के जो सीएम है वो यहीं पे अस्थाई सीएम हाउस बनाकर अपना कामकाज संभाल रहे हैं और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द ऑपरेशन ये सक्सेस रहे, और दूसरी ओर पीएम लगातार नजर बनाए हुए हैं और यही वजह है कि केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह यहीं पे मौजूद हैं और वो हर घंटे का मूवमेंट देखते हैं। एक छावनी के तरीके से यहाँ पे बनाया हुआ है, वहीं पे तमाम ऑफिसर्स के साथ उनकी मीटिंग होती है, कहाँ क्या दिक्कत आ रही है, क्या हो रहा है, ये सब कुछ चलता है। लेकिन इस वक्त हम सबसे बड़ी खबर एक और आपको बता दें, आज शाम 6 बजे ये वो वक्त है जब मजदूर बाहर निकलेंगे। अभी तक के ऑपरेशन के मुताबिक ये सबसे बड़ी खबर है, यानी मजदूरों के निकलने का रास्ता गुजरते वक्त के साथ साफ होते जा रहा है। आप ये कह सकते हैं कि मिशन के बेहद करीब हम पहुंच चुके हैं और इस वक्त हम जनरल वीके सिंह की तस्वीरें दिखा रहे हैं, केंद्रीय मंत्री जो कि टनल के अंदर मौजूद थे और अब ये निकलते हुए उनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जनरल वीके सिंह उस टीम के पास पहुंचे हुए थे, उस पूरे प्रोसेस के पास पहुंचे हुए थे, उस ऑपरेशन के पास पहुंचे हुए थे जहां पे ऑगर मशीन अपना काम कर रही है। उसका प्लेटफॉर्म तैयार हो चुका है, जो 2 मीटर का पाइप काटना था वो कट चुका है और अब वो मशीन एक्टिव है जिसके जरिए ये रास्ता तैयार होगा। 14 मीटर का फासला बस हमें तय करना है और ये फासला तय करते ही हम सीधे पहुंचेंगे अपने मजदूरों के पास। तो केंद्रीय मंत्री की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। केंद्र सरकार इस पूरे मामले को लेकर बहुत सतर्क है, बहुत अलर्ट है हर स्तर पे। राज्य सरकार को जो भी मदद चाहिए या विदेशों में जो भी संपर्क साधना है वहां से लेकर हर स्तर की तैयारियां केंद्र सरकार की तरफ से एनडीआरएफ की टीमें, एसडीआरएफ की टीमें तो है ही है, लेकिन एनडीआरएफ की टीमें भी यहां पे मौजूद है। जिंदगी की जंग हौसला बुलंद, ऑगर की दहाड़ टूटेगा पहाड़, सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को निकालने के लिए मैराथन जंग में हर पल एक नई फतह हासिल हो रही है। हर बीतते वक्त के साथ बचाव कर्मियों का दल लगातार आगे बढ़ रहा है। ड्रिल भले ही बीच बीच में रुक रही है लेकिन काम नहीं रुक रहा है और मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश लगातार जारी है। इस पहाड़ में बने 4.5 किलोमीटर लंबी सुरंग के बीच आधे किलोमीटर में 41 मजदूर फंसे हुए हैं, जिन्हें बाहर निकालने के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तमाम एजेंसियां एक साथ मिलकर काम कर रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत तेजी से चल रहा है, ऐसे में आज शाम तक खुशखबरी आने की उम्मीद है। रास्ते में अड़चने जरूर आई है लेकिन उन्हें दूर किया गया है और अब महज 14 मीटर और पाइप डाला जाएगा तो मजदूरों तक रेस्क्यू टीम पहुँच जाएगी और उन्हें बाहर निकालने का काम किया जाएगा। 48 के बाद क्योंकि हम काट करके थोड़ा छोटा कर चुके हैं पाइप को, 46 पहले के ही अनुमान को अगर हम कायम रखें कि हमें 60 मीटर तक जाना है तो अभी 14 जाना है। 14 जाने के लिए 6-6 मीटर के 3 हिस्से हमें लगाने ही होंगे। इससे पहले गुरुवार की सुबह ही उम्मीद थी कि मजदूरों तक रेस्क्यू टीम पहुंच जाएगी लेकिन बुधवार की रात एक रुकावट आ गई जिसे दूर करने में 5 से 6 घंटे का वक्त लग गया। दरअसल ड्रिल करने के दौरान मलबे में सरियों का जाल सामने आ गया था जिसे काटने के लिए पाइप के जरिए बचाव दल अंदर गया और गैस कटर की मदद से सरियों को काटा गया और ये बाधा दूर की गई। इस बाधा को दूर करने के लिए अनुमान लगाया गया कि 12 से 13 घंटे में ऑपरेशन को खत्म कर दिया जाएगा और मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। लेकिन गुरुवार की रात एक और रुकावट सामने आ गई, ड्रिल मशीन ने काम करना बंद कर दिया और ड्रिल का काम रुक गया। Oh, it should be running again tomorrow. But I got to say from my personal point of view because it's night time and there's no one here listening, our secret conversation.
This will be the third time the machine has broken, so I'm becoming a little bit impatient with that machine, because that's three times that we've thought that machine was going to deliver these 41 people to us, and it's failed. So इससे पहले गुरुवार को मौके पर केंद्रीय मंत्री वीके सिंह पहुंचे और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंची, जिन्होंने सुरंग के अंदर जाकर उन मजदूरों से बात की जो बीच में फंसे हुए हैं। राम राम, कैसे हैं आप लोग? अच्छा, चलिए भाई, बहुत हम लोग बिल्कुल पास पहुंच गए हैं और बड़ी आप लोगों की हिम्मत है और बहुत ही आप लोगों के लिए सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ, और हम लोगों को उम्मीद भी है। मैं भी रात से आ गया हूँ, जनरल साहब भी आ गए हैं यहाँ पर, और प्रधानमंत्री जी रोज आप लोगों के बारे में रोज चिंता कर रहे हैं, रोज अपडेट लेते हैं मुझे सवेरे 7 बजे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अब यहीं पर अपना कैंप कार्यालय बना लिया है। उनके साथ केंद्रीय मंत्री वीके सिंह भी उत्तरकाशी में ही मौजूद हैं और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी नजर मजदूरों के लिए चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन पर है, जिन्हें लगातार अपडेट किया जा रहा है। वहीं मजदूरों तक लगातार पौष्टिक खाना पहुंचाया जा रहा है। इसके लिए पानी की बोतलों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें दाल चावल सब्जी भरकर पाइप के जरिए उनके पास पहुंचाया जा रहा है। इसके अलावा उनके पास दवा और दूसरी जरूरत की चीजें भी पहुंचाई जा रही हैं। हालांकि अब रेस्क्यू पाइप बहुत नजदीक है और जल्द ही श्रमिकों तक पहुंचा जाएगा और उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा।